अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। बेसिकली एक ट्रेडर कौन होता है। एक ट्रेडर वो होता है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जो प्रॉफिट्स के पीछे भागता है, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म सोचता है, यानी कि सेकेंड्स में, मिनट्स में, और आप जो है वो विद इन अ डे और इंट्रा डे, जिसको हमने टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों पर वो फैसला ले रहा होता है। एक एक घंटे की मूवमेंट्स को देख रहा होता है। वो मोस्टली जो है वो टेक्निकल एनालिसिस कर रहा होता है, जैसे कि आपका बिटकॉइन, गोल्ड मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स, सब में होता है। वो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ग्राफ्स और चार्ट्स की बेसिस पे जो है वो मिनट्स में अपनी प्रेडिक्शन को, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ अ ट्रेडर। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, 6 महीनों का, साल से ऊपर का सोचते हैं कि ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इन्वेस्टर मेजरली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो मेजरली क्रिप्टो, बिटकॉइन, इन सारी चीज़ों पर जाते हैं। होल्डिंग फॉर इंटेंशन आपकी ईयर्स वगैरह की होती है, कि लॉन्ग पीरियड के लिए वो सोचते हैं, अपनी वेल्थ को ग्रेजुअली बढ़ाने के लिए सोचते हैं, और मार्केट की फ्लक्चुएशन और जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है उससे हमेशा दूर रहते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बट बिफोर आई गो आई वॉन्ट टू आस्क कि आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।